बीएड के एंट्रेंस टेस्ट में जनरल मेंटल एबिलिटी के 30 क्वेश्चंस आएंगे, तो जिन कैंडिडेट्स की रीजनिंग या मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जहां उनको डर लगता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा स्ट्रेटजीज इनकी होती हैं, जो अगर वो स्ट्रेटजी करते हो तो ब्रीफ थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हो और मैं थोड़े रूल बताता हूं उनको फॉलो करते हो, तो इवन आप टीचिंग पोटेंशियल की तरह इसमें भी अच्छे मार्क्स लेके जा सकते हो। नॉर्मली कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जिनको नंबर से ही डर लगता है, रीजनिंग के क्वेश्चन से डर है, इवन रीड भी कर नहीं पाते, कई बार तो समझ भी नहीं पाते। तो ये बातें जरूरी हैं, आपने किन बातों का ख्याल रखना है जब आपने इसकी तैयारी करनी है। सबसे पहले पहला रूल है इसका, इसको फुल कर लेते हैं। जो रूल है, जनरली एक मैगजीन्स होती है जो कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाने के लिए कहती है, जो बीएड में आप पढ़ोगे, ठीक है। कंक्रीट मीन कि पांच ज्ञान इंद्रियां जो सेंसेस हैं, आंखें हैं, कान है, जीभ है, स्किन है, जो स्मेल है, तो ये जब यूज होती है, इनसे इंफॉर्मेशन जो आप ले सकते हो तो वो कंक्रीट है। जो माइंड में पड़ी है सेंसेस के जरिए इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ लिखता हूं दो पेन है ना, तो बच्चे के सामने दो पेन रख भी दिए, जमा बेटा एक पेन कितने हो गए, वो कहेगा तीन पेन है ना। अगर मैं ये दिखाए बिना कहता हूं तीन जमा दो कितने होते हैं, दो जमा एक कितने होते हैं, तो ये जब मैं पूछ रहा हूं तो ये एब्स्ट्रैक्ट है कि अंदर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दैट इज वाई रीजनिंग इज एक एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट होने के कारण डिफिकल्ट लगती है। तो एब्स्ट्रैक्ट से पहला रूल है, एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट की तरफ कंक्रीट कर लो चीज को, तो आपके लिए 60-70% ईजी हो जाएगी। कैसे करना है, पेन का यूज करना है, फिंगर का यूज करना है, कोई कैलकुलेशन करनी है आप ऐसे फिंगर पर जरूर करो, ठीक है। एक थिंक अलाउड स्ट्रेटेजी है, आगे जाके बताता हूं, जो आप सोच रहे हो थोड़ा थोड़ा उसको बोलना है। तीसरा, आप पेन का प्रयोग तो करना है, वो अभी करके बताता हूं। दूसरा, प्रैक्टिस रोज करो, दूसरा रूल है प्रैक्टिस रोज करो, बेशक एक सम रोज सॉल्व करो छोटा छोटा, एक एक रिप्रेजेंटेटिव, तो वो आपको बहुत ज्यादा फायदा देता है। अगर ज्यादा डिले करते हो तो, क्योंकि मेंटल एक्सरसाइज है, तब आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। नेक्स्ट है टाइम, कब करना है, जब आप फ्रेश फील करते हो, हाउ मच, कितना ऐसे सम कितने सॉल्व करने हैं, बहुत ज्यादा नहीं करने के, माइंड थक जाए, ठीक है, जितना अच्छा फील कर रहे हो, दैट इज वाई मिनिमम वन सॉल्व जरूर कीजिए। अच्छा, फोकस ऑन स्टेम, जो क्वेश्चन होता है ना और उसका चार ऑप्शन होते हैं, ज्यादा आपने फोकस जो है स्टेम पर, क्वेश्चन पर करना है, उसके आंसर पहले से देख के उसमें से नहीं ढूंढने, क्योंकि पहले रैशनली सॉल्व करेंगे, फिर गैस वर्क लगाएंगे, फिर अक्कड़ बक्कड़ तो कुंभापो होता है ही है। नेक्स्ट है यूज क्वेश्चन बुकलेट टू सेव टाइम, एक एक्स्ट्रा पेज कई बार मिला होता है कि रफ वर्क पेज, उस पर आप काम करने लगते हो, तो करना भी है अगर कैलकुलेशन एक्स्ट्रा है, लेकिन अगर नहीं तो आप जो आपकी शीट है, आपको मिल रही है शीट, ऐसी शीट आपको मिलेगी ये है ना, तो उस पर ही आप ड्रा कर लो, जो उस पर ही लिख लो, ये आपकी है, आप उस पर कर सकते हो। कीप ए रिकॉर्ड ऑफ जो नोटबुक, जो भी आप रोज सम सॉल्व करते हो उसका रिकॉर्ड एक नोटबुक लगा के रखो, जो सॉल्व करते हो पेपर से पहले उसको एक बार जरूर देख के जाओ कि मैंने क्या क्या किया है, रिवाइज हो जाता है। साइज ऑफ एमसीक्यू, कई बार बड़ा सारा क्वेश्चन होता है, बीच में कुछ नहीं होता, कई बार छोटा सा क्वेश्चन होता है, बड़ा डिफिकल्ट होता है, साइज पर नहीं जाना। थिंक अलाउड, जो सोचते हो उसको थोड़ा थोड़ा बोलो, एग्जाम सेंटर पे भी आप अगर बोल नहीं सकते तो लिप्स मूवमेंट कर सकते, ये आपकी थिंकिंग को फैसिलिटेट करता है, कंस्ट्रक्टिविज्म की एक स्ट्रेटेजी है। तो स्टेम को हर हालत में, नेक्स्ट पॉइंट है स्टेम को हर हालत में समझना है, जब तक समझ नहीं आया तब तक आप लॉजिकली उत्तर नहीं ढूंढ पाओगे। कुछ और स्ट्रेटेजीज हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास।